कल जो बारिश आई थी, कल रात की, कल परसों की बारिश का, ऐसे ही बाढ़ आ जाती है गांव में, पानी जमा हो जाता है, पानी निकल नहीं पाते जी। देखो हम जा रहे हैं 4 लाइन पे, फिर वहाँ जाके बात करेंगे, फिर वहाँ कुछ हमें नील गाय मिल जाएगी, हिरण मिल जाएगी, तो वो दिखाएंगे। चलो आम उगते हैं, बहुत छोटे छोटे आम होते हैं। ये 4 लाइन बन रही है, नई 4 लाइन बन रही है, पूरा नवनीकरण हो रहा है गाँव का, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, शहर हो जाए, शहर बनने भी चाहिए, गाँव का भी विकास हो जाए। इधर भेड़े चढ़ रही है और इधर है नील गाय, ये देखो नील गाय और हिरण, सड़क का निर्माण हो रहा है 4 लाइन का। अभी लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा सा बंद कर दिया गया, फिर अभी स्टार्ट होगा लॉकडाउन। लॉकडाउन तो वैसे खुल गया लेकिन अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, पता नहीं कौन से कारण है। ये बन जाएगा तो इस पर भी आवागमन शुरू हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी जाके दिखाते हैं अभी आपको, पहुँच गए हम, फिर ऊपर जाके देखते हैं कितना बना है। अभी तक पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ रोडियाँ डाली गई हैं, जो गिट्टियाँ होती हैं तो जल्दी नहीं थी। मैं अपने गाँव, मैं बिहार के आरा ज़िला में रहता हूँ, आरा ज़िला का एक गांव है शाहपुर, ये मेरी नानी का गांव है। और मैं ये देखो पूरी सड़क, इतनी बड़ी सड़क है, अभी तक पूरी नहीं बनी है, अभी सिर्फ रोडियाँ डाली हैं, अभी इस पर सीमेंट डलेगा। ये देखो नील गाय, नील गाय दिख रही होंगी आपको सामने, ये देखो। फिर इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं नदी है, यहीं पर खरगोश, नील गाय, हिरण बहुत सारे रहते हैं। ये देखो नील गाय, देखो दिखे आपको, वो देखो वो रहे, वो रहे। ये नील गाय है, हिरण की प्रजाति के होते हैं, बहुत सारे हैं इधर। उस दिन हमने हिरण देखा था, पता नहीं कहाँ हिरण था, हिरण का बच्चा था। अभी और दिखाते हैं अभी आपको, ये देखिए कितनी बड़ी रोड है, अभी पूरी नहीं बनी है ये, वो बन जाएगी तो पूरी हाईवे है ये, बहुत बड़ा। अभी काम चल रहा है, देखो दोस्तों ये चिमनी है जिसमें ईंट पकती है, शहर में तो मशीन बनी है उसमें ईंट पकती है, लेकिन देखो ये गांव में ये चिमनी है, चिमनी के अंदर ईंट पकता है, बहुत ईंट पकती है, इसी के अंदर ईंट पकाई जाती है। पहले तो वो मिट्टी की होती है, इसी मिट्टी की होती है, इसी मिट्टी से बनती है, फिर उसमें डालते हैं, पक जाती है तो फिर लाल हो जाती है। ये देखो नील गाय, अभी वो देखिए नील गाय का झुंड है, इसमें बच्चे भी हैं 2-3 छोटे छोटे, बहुत प्यारे लगते हैं, हिरण जैसे ही होते हैं, बहुत भागते हैं, डर जाते हैं। ये देखो, ये जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा दूर है हम इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, पास जाएंगे तो ही भाग जाएंगे, इसलिए दूर से शूट कर रहे हैं। वो देखो दोस्तों हिरण का एक बच्चा दिखाई दे रहा है, वो रहा वो है ना जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, वो हिरण का बच्चा है, बैठा हुआ है, उसकी माँ कहीं नील गाय और हिरण के झुंड जो साथ में रहते हैं। ये देखो पास में एक मंदिर है, बड़न देवता का मंदिर, बड़न देवता नाम है उनका, वहाँ भी जैसा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये देखो ये आगे बड़न देवता का मंदिर, इस बड़न देवता मंदिर की बहुत मान्यता है, यहाँ के यहाँ से बहुत लोगों की इच्छा पूरी होती है। यहाँ पर एक बाबा होंगे, बहुत अच्छे बाबा हैं। ये रे खजूर का पेड़ है, खजूर यहीं से खजूर तोड़ते हैं, चल तोड़ी जा। मंदिर पहुँच गए, ये हमने थोड़े से खजूर तोड़े, बाबा है यहाँ, बहुत अच्छे बाबा है, ये बड़न देवता, अपनी देवता की बहुत मान्यता है। पानी पी लेते हैं।
बोरियां बहुत पुरानी, जैसे पहले खेतों में पानी दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है, लेकिन ये बंद हो चुकी है। अभी भी शायद दिया जाता होगा, लाइट लगा हुआ है। अब थोड़ा सा पास से जाके दिखाते हैं, हम उन्हें परेशान करना चाहते हैं, बस देखते हैं। लेकिन पास जाएंगे तो भागने की कोशिश करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। दूर से थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे, आपकी दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ये रे देखो, ये भी नील गाय एकदम हिरण जैसे। देखो ये भागना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पास जाएंगे हम भागना शुरू कर देंगे, बिल्कुल हिरण जैसे होते हैं। देखो सारे देखने लग गए तेरी, बहुत प्यारे जानवर है, मैं इनको नुकसान नहीं उठाना चाहता। देखो भागने लगेंगे, देखो वो हिरण का बच्चा, वो छोटा सा हिरण का बच्चा जो अभी अभी उठा है, बहुत ब्यूटीफुल। बस ईजे तक रहो, ईजे तक ईजे, बहुत प्यारे हैं। सारे उठने लग जाएंगे, बस यहीं तक रहेंगे हम, ज़्यादा आगे इनको परेशान नहीं करेंगे। देखो बहुत सुंदर, ये देखो ये पूरा झुंड है। वो देखो हिरण का बच्चा जो जा रहा है, वो पूरा वो हिरण का बच्चा है। वो देखो कितना सुंदर है, देखो बाकी सब के सींग नहीं निकले, उसके सींग भी निकल चुके हैं, बहुत ब्यूटीफुल। और ये रही फोर लाइन की सड़क, इससे आगे जाएंगे तो एक नदी है, फिर इससे आगे एक बनाई स्टेशन है छोटा सा, हम वहाँ से भी जाते हैं। हमारा गांव है वो आरा ज़िला में, आरा ज़िला का शाहपुर, शाहपुर गांव का नाम है। ये देखो बहुत ही सुंदर, देखो सारे जाने लग गए अब धीरे धीरे। ये चले जाएंगे नदी के पास, पानी पीने जाते हैं वहाँ पर, कहाँ से चढ़ने आते हैं यहाँ पर, एक एक करके जा रही है। देखो थोड़ा सा भी आगे जाओगे इनके तो ये उठ के भागने लगे थे, मतलब बहुत ही शर्मीले जानवर बोले जाते हैं। ये देखो जा रहे हैं, वो जा रहा है, उनका ग्रुप का लीडर होगा शायद। मौसम भी खराब हो रहा है, लेकिन काले बादल भी आ रहे हैं उधर से, बारिश हो सकती है। वो उधर भेड़ें चढ़ रही हैं, उधर भेड़ें चढ़ रही है, और हमारी भैंसें उधर हैं, वो चली गई होंगी अब। छोटा सा मिल जाएगा बच्चा, हिरण का बच्चा, वो देखो जा रहा है जो सबसे उछल रहा है, हिरण का बच्चा। एक ही हिरण का बच्चा है, मेरे को समझ नहीं आया इसकी माँ कहाँ है। इन इतने नीलगाय के झुंड में सिर्फ एक ही हिरण का बच्चा दिखा है मुझे, इसकी माँ का। ये देखो वो जा रहा है रोड पे, जो अब चढ़ा है रोड पे, जो पीछे सबसे पीछे जा रहा है वही हिरण का बच्चा। थोड़ा सा और जूम के करके दिखाता हूँ, वो देखो वो, हाँ भाई वो तो सबसे, हाँ वो। और ये बाकी सारे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। 3 साल बाद गाँव आए थे हम,